हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन स्क्रीन बाय दैनिक भास्कर एंड आप सबको मेरी तरफ से समर वेकेशंस की बड़ी बड़ी कांग्रेचुलेशंस। फरवरी में समर वेकेशंस, वेल जब से रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग की लिमिट 60 से बढ़कर 120 दिन। तुम लोगों IRCTC वाला वीडियो शूट कर रहे हो क्या? हाँ वही कर रहे हैं। मुझे ना आईफोन में करना नहीं आता, तो मेरा भी तुम ही कर दो। ओके हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जब से रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग की लिमिट 60 से बढ़कर 120 दिन यानी लगभग 4 महीने कर दी गई है, तब से प्लानिंग एंड बुकिंग की वजह से समर वेकेशंस जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी में ही शुरू हो जाती है। अच्छा सुन, आस्था ने बोला तुम उसका टिकट बुक कर रहे हो, मेरा भी टिकट बुक कर दो यार, मेरा विंडोज फोन है और मुझे नहीं आता। ओके ठीक है, तो चलिए करते हैं टिकट बुक IRCTC की ऑफिशियल ऐप के थ्रू। अपने रिस्पेक्टिव ऐप स्टोर्स में जाकर IRCTC का ऐप इंस्टॉल कर लें। अगर आपकी IRCTC पर ID नहीं है तो एक नई ID रजिस्टर कर लें। इसके लिए कुछ सिंपल डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। लॉगिन करते ही आपको टिकट बुक करने का ऑप्शन सबसे ऊपर दिख जाएगा। इसमें आपने कहां से जाना है, कहां को जाना है और कब जाना है सारी इन्फॉर्मेशन भरें और सर्च पर टैप करें। आपको आपके सिलेक्शन के हिसाब से अवेलेबल ट्रेन्स के ऑप्शंस और इन अवेलेबल ट्रेन्स में अवेलेबल सीट्स के ऑप्शंस दिखेंगे। इस सिलेक्शन में भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अपनी पसंद की ट्रेन मिलते ही उसे सिलेक्ट करके टिकट बुक कर लें और अवेलेबल कई सारे पेमेंट ऑप्शंस में से किसी एक को चूज कर पेमेंट कर दें। तो ये तो हो गई आपकी टिकट्स बुक, और अगला स्टेप है। अच्छा लिसन, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च ना जून में शिफ्ट हो गया है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर। अरे लेकिन मेरी तो वेकेशन की टिकट्स बुक है। टिकट्स कैंसिल भी इसी ऐप से हो जाती है। मैं आपसे जून में भी यही मिलूंगी ऑन स्क्रीन बाय दैनिक भास्कर।